नमस्कार वन इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली रन मशीन नाम से मशहूर है। भारतीय कप्तान पिछले कुछ वक्त से उस लय में नजर नहीं आए हैं जिसके लिए उन्हें पहचाना जाता है। पिछले काफी वक्त से उन्होंने क्रिकेट के किसी भी फॉर्मेट में शतक नहीं ठोका। उनकी ICC रैंकिंग्स में भी काफी कमी आई है। कोहली को इस दौरान कई लोगों से आलोचना भी झेलनी पड़ी। हालांकि टीम इंडिया को सबसे पहली बार वर्ल्ड कप जिताने वाले दिग्गज कप्तान कपिल देव ने विराट कोहली का समर्थन करते हुए बड़ा बयान दिया। दरअसल अभी हाल ही में टीम इंडिया ने इंग्लैंड का दौरा किया था, जहां 4 टेस्ट मैचों में टीम इंडिया का प्रदर्शन काफी शानदार रहा था। लेकिन टीम के कप्तान की बल्लेबाजी में वो विश्वास हमें देखने को नहीं मिला। सीरीज में वो 250 ही जड़ सके। इस सीरीज के बाद से ही लगातार कोहली की कप्तानी पर सवाल उठने लगे। कोहली की कप्तानी और स्किल्स पर सवाल उठाने वालों को टीम इंडिया के पूर्व कप्तान कपिल देव ने करारा जवाब दिया। कपिल देव ने कहा है कि जब कप्तान कोहली इतने सालों से रन बना रहे थे, तब किसी ने भी उनके स्किल्स और कप्तानी पर सवाल नहीं उठाए, और जब उनके ग्राफ में उतार चढ़ाव है तब अचानक ऐसा किया जा रहा है जो सही नहीं है। भारतीय टीम के पूर्व दिग्गज कप्तान कपिल देव यही नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि उनका ग्राफ ऊपर नीचे जरूर हो गया है, लेकिन कब तक? 28 से 32 की उम्र वो पड़ाव है जब आप खिलते हैं। वह अनुभवी और परिपक्व हो गए हैं। अगर वह अपनी पुरानी फॉर्म में लौटते हैं तो न केवल शतक या दोहरा शतक बल्कि 300 रन भी बनाकर देंगे। उनकी फिटनेस में कोई कमी नहीं है, बस उन्हें खुद को पहचानते हुए बड़े स्कोर बनाने हैं। बहरहाल टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली की कप्तानी को लेकर पिछले कुछ वक्त से काफी कुछ कहा जा रहा है। यहां तक कि कहा गया कि T20 वर्ल्ड कप के बाद वो T20 और वनडे से कप्तानी छोड़ देंगे और रोहित शर्मा टीम इंडिया के नए कप्तान बनाए जाएंगे। हालांकि BCCI ने भी इस बात को खारिज कर दिया है। वहीं विराट कोहली की बात करें तो फिलहाल UAE में है, जहां 19 सितंबर से IPL 2021 का दूसरा चरण खेला जाना है। इस खबर में फिलहाल इतना है। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।